ये पूरा फार्म हाउस है शिलोत्तर गांव में, 1.5 एकड़ फार्म हाउस है। ये पूरी वाड़ी है, आम की वाड़ी है, इसमें घर है, रोड तक ज़मीन है, ये गेट लगा हुआ है, इसको पूरा गेट है ऐसा। ये पूरा शेड बनाया हुआ है बैक साइड में, एक घर है अंदर, बड़े बड़े आम हैं, फल आने वाले बगीचा है, आम है, चीकू है, नारियल है। कौन है रे घरात, कुठे गेला पप्पा? हो का? ये नारियल के पेड़ है, नींबू वगैरह है, बड़े बड़े आम है इसके अंदर। ये लेबर रूम है, हाँ कसला रूम है, स्टोर रूम है क्या? तो स्टोर रूम है, सब पूरा आम से भरा हुआ है, नारियल के झाड़ है, आम के पूरा अंदर पूरा पाइपलाइन ज्वाइन किया हुआ है, बोरिंग का कपड़ा है, बड़े बड़े आम है, जाते बोरिंग बोरिंग है, पूरा वाल कंपाउंड है, काजू के आम है, पूरा कंपाउंड किया है, काजू आम है पूरे। ये बोरवेल है इधर, बोरवेल ये चुकू के झाड़ है, चुकू के झाड़ है, पूरा कंपाउंड किया हुआ है। ओ चिकू काढायला घेतले बादली बादली चिकू साठी, इधर से भी रोड है, दोनों तरफ से रोड है, बैक साइड में 55 एकड़ का फार्म हाउस है, बैक साइड में रोड पे अंदर वाले। सगला कच्चा माल है वो, कच्चा माल है, पूरा अंदर से रास्ते है, झाड़ के बैक साइड जाने के लिए रास्ता बना हुआ है, ये भी गेट है रोड पे, इस तरह का ये आम का बगीचा है रोड पे, कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटा लाइट है, पानी है, 12 महीना बोरिंग चलती है, पानी का कोई दिक्कत नहीं है। पूजा जरा आत्मते रूम से फोटो घेते हैं, मैं मैं घेतो घेतो तुझा, टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है सामने, गाय को बांधने के लिए इधर रूम बना है छोटा,
बाथरूम वगैरह पानी का टूटी वगैरह सब कुछ रेडी, ताकि लिखी लगा हुआ दृश्य ये रूम बना हुआ है। इस तरह का फार्म हाउस, रेडी फार्म हाउस।